तो दोस्तों, आज का जो प्रोडक्ट है वो है एक वायरलेस सीसीटीवी कैमरा। ये एकदम सस्ता सीसीटीवी कैमरा है आपके घर दुकान के लिए। इसका दाम है सिर्फ 1000 रुपीज़। इसको खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कभी कभी प्राइस अप डाउन होता रहता है, तो जल्दी से बाय कर लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा वायरलेस सीसीटीवी कैमरा है, जिसको वाईफाई आईपी कैमरा बोला जाता है। और ये एक वायरलेस सीसीटीवी कैमरा है, मतलब सिर्फ आपको इसको रखना है आपके घर पे दुकान पे, और इसके लाइव फुटेज को आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं दुनिया के कहीं से भी। मतलब अगर ये कैमरा आपके घर पे रहेगा तो आप बाहर से अपने घर को देख सकते हैं, अगर ये कैमरा आप अपने दुकान पे रखेंगे तो अपने दुकान को घर से देख सकते हैं अपने मोबाइल फोन पे, अगर आपका कोई छोटा सा ऑफिस है तो ऑफिस में इसको लगा के आप अपने घर से भी ऑफिस को देख सकते हैं और अपने घर को भी ऑफिस से देख सकते हैं। तो आपको प्रोफेशनल सीसीटीवी लगाने का जरूरत नहीं है, जिसको लगाने में 10,000 से ऊपर का खर्चा हो जाता है। तो आप सिर्फ इसको खरीदिए और कुछ नहीं करना है, आपको इसको रखना है आपके घर पे दुकान पे, और इसके लाइव फुटेज को आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं दुनिया के कहीं से भी। तो इसका बॉक्स कुछ इस तरह का है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाईफाई स्मार्ट नेट कैमरा, इजी टू अचीव रियल टाइम रिमोट व्यूइंग। तो जो कैमरा है देखने में इस तरह का है, और यहाँ पे फीचर्स लिखा हुआ है, नाइट विजन भी है, मतलब रात में जितना भी अंधेरा हो आप इससे साफ साफ देख सकते हैं। साथ ही इसमें पैन और टिल्ट भी होता है, मतलब ये जो कैमरा है ये लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हो सकता है, आप अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं, आप किसी भी डायरेक्शन पे देख सकते हैं। साथ ही ये बेबी मॉनिटरिंग का भी काम करता है, अगर आपका बच्चा एक रूम पे सोया हुआ है तो कैमरा उसके पास रख दीजिए और आप दूसरे रूम से अपने बच्चे को देख सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले एक यूज़र मैनुअल मिला है, उसके बाद यहाँ पे सेलर का नंबर मिला है, अगर आप खुद इंस्टॉलेशन नहीं कर पाते हैं तो ये लोग आपको हेल्प करेंगे। तो उसके बाद ये हो गया पावर अडाप्टर, इसमें पावर देने के लिए ये पावर केबल, उसके बाद ये हो गया कैमरा, देखिए ये हो गया कैमरा, ऊपर में प्रोटेक्टिव फिल्म लगा हुआ है, उसको निकाल देते हैं और उसके बाद देखते हैं लास्ट में कुछ है कि नहीं। तो लास्ट में भी है, तो यहाँ पर ये हो गया माउंटिंग प्लेट, ये दीवार पे आप लगा सकते हैं, सीलिंग पे लगा सकते हैं इसको लगा के। उसके लिए यहाँ पे स्क्रूज भी दिया हुआ है। तो बॉक्स में इतना ही था। तो देखिए बॉक्स से क्या क्या निकला, ये हो गया माउंटिंग प्लेट और स्क्रू, ये हो गया एक्चुअल कैमरा, ये पावर केबल, पावर अडाप्टर और यूज़र मैनुअल। यहाँ पे जो मोबाइल पे जो ऐप चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है, ऐप का नाम है V380 Pro। तो चलिए अभी कैमरा को पास से देख लेते हैं। तो ये हो गया देखिए वाईफाई आईपी कैमरा, यहाँ पे सामने यहाँ पे लेंस है, एक्चुअल लेंस है, और यहाँ पे चारों तरफ IR लाइट्स है, इंफ्रारेड लाइट्स है नाइट विजन के लिए। और यहाँ पे देखिए स्पीकर है, यहाँ पे भी स्पीकर है और माइक भी है, तो इससे इसमें ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है वीडियो के साथ साथ, और साथ ही आप बाहर से अपने घर के लोगों के साथ बात कर सकते हैं, अगर चोर आया तो चोर को भी डांट के भगा सकते हैं। तो ये हो गया इस साइड का हिस्सा। दूसरे साइड में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप माइक्रो SD कार्ड लगा देंगे तो माइक्रो SD कार्ड में ही रिकॉर्डिंग होता रहेगा। तो उसके पीछे देखते हैं, पीछे यहाँ पे ये हो गया पावर केबल लगाने का ऑप्शन, माइक्रो USB है, और ये हो गया रीसेट का बटन, और नीचे माउंटिंग प्लेट लगा सकते हैं आप, ये लगाने का ऑप्शन है यहाँ पे ऐसे। तो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसमें अभी पावर देते हैं। तो ये जो केबल है माइक्रो USB केबल है, इसको ऐसे लगाना है सिर्फ, उसके बाद ये अडाप्टर है इसमें जाएगा ये। तो अभी मैं कैमरा पे पावर दे रहा हूँ, तो ये हो गया ऑन, इसमें पावर आ गया है। तो अभी देखिएगा ये ऊपर नीचे करेगा कैमरा, और इसमें से कुछ आवाज़ आएंगे। तो बोला है सिस्टम इज स्टार्टिंग, ये देखिए कैमरा ऊपर नीचे कर रहा है, देखिए ऑटोमेटिक पैन हो गया है, ऑटोमेटिक टिल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे वॉइस कमांड मिला है, एक्सेस पॉइंट इज़ रेडी, मतलब अभी रेडी है इसको सेटअप करने के लिए, अभी मोबाइल पे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अभी मैं इस मोबाइल पे ऐप को इंस्टॉल करूँगा, और आपको ज़रूरत पड़ेगा एक इंटरनेट कनेक्शन का, वो हो सकता है एक वाईफाई डोंगल, नहीं तो अगर आपके घर पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो उसका राउटर का वाईफाई से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप और एक मोबाइल ले लीजिए, और उस मोबाइल का हॉटस्पॉट से भी काम चल जाएगा। तो अभी मैं आपको मोबाइल से ही कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, मतलब इस मोबाइल का जो इंटरनेट कनेक्शन है उसको वाईफाई हॉटस्पॉट देंगे इस मोबाइल पे, और उसके बाद कनेक्ट करेंगे। तो अभी इस मोबाइल को मैंने दूसरे मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है हॉटस्पॉट के थ्रू। तो देखिए वाईफाई ऑन है, और अभी इसका लोकेशन भी ऑन करना पड़ेगा। तो लोकेशन ऑन कर दिया मैंने, तो अभी चलेंगे प्ले स्टोर पर। तो प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है V380 Pro। तो ये रहा V380 Pro, ये देखिए पहला वाला जो है, अभी इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जो ऐप है वो हो गया है इंस्टॉल, तो चलिए अभी इसको ओपन करते हैं।
तो नीचे पे ट्राई नाउ आया है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया है लॉगिन करना है नहीं तो रजिस्टर करना है, लेकिन ऊपर में ऑप्शन भी है ट्राई विदाउट एन अकाउंट, लेकिन मैं ट्राई नहीं करने वाला हूँ, मुझे अकाउंट चाहिए तो मैं यहाँ पे रजिस्टर कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे बोला है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, तो अभी लॉगिन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया ऐप का इंटरफेस। तो यहाँ पे ऊपर में दिखाया है ऐड डिवाइस, तो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं अभी। तो अभी क्लिक करेंगे पहला वाला ऑप्शन पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर वाला ऑप्शन एपी हॉटस्पॉट कनेक्शन। तो फिर से यहाँ पे बोला है अलाउ, तो करना पड़ेगा अलाउ। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला पावर ऑन ऑप्शन आया है, उसके बाद जो इंटरनेट कनेक्शन है वाईफाई हॉटस्पॉट है उसका नाम आया है वो भी सिलेक्ट है। अभी तीसरा ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं वाईफाई हॉटस्पॉट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो वाईफाई हॉटस्पॉट का जो पासवर्ड है वो डालना पड़ेगा, तो वो भी मैंने डाल दिया है, तो अभी करेंगे कन्फर्म। तो अभी इसके बाद नीचे पे दिखाया है कनेक्ट एपी हॉटस्पॉट, तो वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आया है आई नो। तो अभी ये मेरे मोबाइल का वाईफाई स्क्रीन पे चला गया है। ऊपर में ये वाला जो ब्लू वाला है वो है मेरा दूसरा मोबाइल का हॉटस्पॉट जो कनेक्ट है, और नीचे अवेलेबल नेटवर्क्स पे दिखाया है MV530 समथिंग, वो है ये वाला कैमरा। तो अभी इसको सिलेक्ट करना है, देखिए वो कनेक्ट हो गया है अभी। तो अभी जाना पड़ेगा बैक, तो कनेक्टिंग हो रहा है, जल्द ही हो जाएगा। तो अभी कैमरा कनेक्ट हो चुका है, देखिए यहाँ पे प्रीव्यू भी आ गया है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए कैमरा हो गया लाइव, जो कि इस कैमरा में पैन एंड टिल्ट का भी ऑप्शन है, तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इस व्हील से। देखिए कैमरा अभी ऊपर चला गया, नीचे ये लेफ्ट राइट हो रहा है, देखिए। तो अभी कैमरा पूरा कनेक्ट है। तो अभी अगर आप इस कैमरा को अपने घर पे रखेंगे और इस मोबाइल को अपने दुकान पे लेके चले जाएंगे तो आप दुकान से घर को देख सकते हैं, और अगर दुकान पे कैमरा को छोड़ के आएंगे तो घर से भी देख सकते हैं। तो ये हो गया ऐप का इंटरफेस। यहाँ पे मैंने अभी एक ही कैमरा इंस्टॉल किया है, लेकिन यहाँ पे देखिए चार कैमरा का ऑप्शन है, चार स्क्रीन पे स्प्लिट हो गया है ये पहला वाला कैमरा। यहाँ पे भी कैमरा लगा सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो चार कैमरा एक साथ आप इस ऐप से व्यू कर सकते हैं। और ये फुल स्क्रीन भी हो जाता है, देखिए ये फुल स्क्रीन हो गया, और आप इस स्क्रीन से कैमरा को लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं। इस कैमरा में एक खासियत है कि ये बिना इंटरनेट का भी चलता है। अगर आपके पास इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो आप क्या कीजिएगा, इसमें सिर्फ आपको एक माइक्रो एसडी कार्ड लगाना है, और 32GB माइक्रो एसडी कार्ड में ये 10 से 12 दिन का वीडियो रिकॉर्डिंग करता रहेगा। और अगर आपको उसका जो वीडियो है वो देखना है नहीं तो इसका लाइव प्रीव्यू देखना है, तब भी आपको इंटरनेट का जरूरत नहीं है, आप मोबाइल पे इसका लाइव प्रीव्यू और प्रीवियस रिकॉर्डिंग देख सकते हैं बिना इंटरनेट का। चलिए वो भी आपको सिखा देता हूँ। उसके लिए जो ऐप है उसमें जाइएगा, लेकिन उससे पहले इस मोबाइल का जो डाटा कनेक्शन है वो ऑफ कर लीजिएगा, और वाईफाई को भी ऑफ कर लीजिएगा, और अगर आपके घर पे कोई दूसरा वाईफाई कनेक्शन है उसको भी ऑफ कर लीजिए, नहीं तो यहाँ से फॉरगॉट कर लीजिए। उसके बाद इस कैमरा को कनेक्ट करना है, मतलब इस कैमरा से भी वाईफाई निकलता है, तो इसका वाईफाई को आपके मोबाइल पे कनेक्ट करना है। तो चलिए वाईफाई को ऑन करते हैं। तो देखिए ये जो है ना MV530 ये इसका वाईफाई है, तो ये कनेक्ट हो गया है अभी। तो अभी इसका फुटेज को हम इस मोबाइल पे देख सकते हैं। तो चलिए ऐप में चलते हैं। तो ऐप में अभी यहाँ पे ऐड डिवाइस, उसके बाद वाईफाई स्मार्ट कैमरा, उसके बाद ऐड डिवाइस आईडी, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको स्कैन करना पड़ेगा सिर्फ, तो कैमरा के नीचे क्यूआर कोड है तो उसको स्कैन करेंगे। तो स्कैन हो गया है, तो अभी कन्फर्म करेंगे। अभी नाम देना है, मैं दे रहा हूँ होम फिनिश। तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट करना है, नहीं तो दूसरा कोई भी आपका कैमरा देख लेगा। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया है, तो अभी कन्फर्म करूँगा। तो अभी देखिए प्रीव्यू आ गया है, ये ऑफलाइन प्रीव्यू है। तो ये देखिए कैमरा अभी चालू है और ये ऑफलाइन व्यू हो रहा है। ऐसे देखने के लिए आपको इंटरनेट का जरूरत नहीं है। तो अभी इसका ऐप का जो इंटरफेस है चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे पे ये स्पीक का ऑप्शन है, तो ये माइक है, इसको ऑन करने से आप बात कर सकते हैं कैमरा के थ्रू। चलिए वो भी दिखा देता हूँ। हेलो हेलो, तो कैमरा पास है इसलिए इको हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन है, देखिए ये दबाने से वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा, मतलब आपका मोबाइल बन जाएगा एक DVR। तो ये रिप्ले का ऑप्शन है, यहाँ पे दबा के आप प्रीवियस जो रिकॉर्डिंग है वो देख सकते हैं। यहाँ पे स्नैपशॉट का भी ऑप्शन है, आप फोटो ले सकते हैं चोर का, और ये साउंड ऑफ है, इसको ऑन कर सकते हैं तो चोर का आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। तो ये था ऑफलाइन सेटअप। तो इस तरह से आप इसको एज ए बेबी मॉनिटरिंग डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं।
तो अभी ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये सीसीटीवी कैमरा से भी हो रहा है और डीएसएलआर से भी हो रहा है। और मैंने रूम पे एक छोटा सा बल्ब जलाया है ताकि डीएसएलआर पे रिकॉर्ड हो सके। तो फ़र्क देखिए, मतलब इतना अंधेरा में डीएसएलआर कैसा रिकॉर्ड करता है और सीसीटीवी देखिए कैसा रिकॉर्ड करता है, कितना साफ साफ। और अगर मैं ये लाइट भी बुझा दूँ तो डीएसएलआर में तो कुछ आएगा ही नहीं, लेकिन इस सीसीटीवी में सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड होता रहेगा। तो अभी मैंने लाइट ऑफ कर दिया है और अभी डीएसएलआर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। अभी देखिए, मतलब पूरा रूम अंधेरा है लेकिन सीसीटीवी ठीक से रिकॉर्ड कर रहा है। इसका नाइट विजन बहुत ही अच्छा है। तो आखिर में मेरा कंक्लूजन है कि ये बहुत ही अच्छा कैमरा है और बहुत कम दाम में मिल रहा है, तो आप इसको खरीद के लगा सकते हैं अपने घर पे, दुकान पे। तो इसको खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, काम का लगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के यूजफुल प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरे रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।